नमस्कार बेंगलुरु, हमारे साथ हैं VIP द ग्रेट कॉमेडियन और वो आज परफॉर्म करने वाले हैं बेंगलोर के लिए। पर उसके पहले हम आपको VIP के साथ थोड़ी बातचीत कराते हैं। वेलकम सर, वेलकम टू बेंगलोर। नमस्कार, आप बेंगलुरु, हाउ आर यू, क्या हाल है? बढ़िया है। विजय ईश्वरलाल पवार से VIP तक स्ट्रगल कैसा था? बिल्कुल, ये VIP नाम पाना अपने आप में बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शुरू में जब मैं नया आया था तो VIP नाम रखने के मुझे बड़ी शर्म आती थी। कोई ब्रीफकेस ना बोल दे, कोई अंडरवेयर ना बोल दे, कुछ भी ना बोल दे, लोग नाम कमेंट्स देने वाले लोग बहुत होते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा मेरा नाम ऐसा फ़नी होना चाहिए कि मुझे पता था मेरा नाम VIP शॉर्ट होता है, विजय ईश्वरलाल पवार, इसको शॉर्ट करते VIP होता है। लेकिन मैं डरता था कि अगर कोई कुछ कमेंट कर दे, लेकिन अगर आपका नाम का पोस्टमार्टम होता तो वो नाम आपका हिट है। और ये नाम, तीन अक्षरों का नाम जो हिट हुआ, जो मेरी निगल पड़ी है, लोगों का प्यार मिला, इज्जत मिली, आज तक किसी ने कुछ बोला नहीं मेरे नाम पे। बिल्कुल सर, VIP बिल्कुल हिट है। और जब एक ज़माना था जसपाल भट्टी साहब और शेखर सुमन जी जब आते थे, उसके बाद स्टैंड अप कॉमिक नहीं आया TV पर इतना, और एक पूरा दौर चला क्योंकि सास भी कभी बहू थी से लेकर कहानी घर घर की तक, और उसके बाद एक रिवॉल्यूशन आया कॉमेडी सर्कस और लाफ्टर चैलेंज के उस पर। तो स्टैंड अप कॉमिक की फ़िलहाल जो स्ट्रगल है बॉलीवुड में और TV पर, उसके बारे में कुछ? जैसे कि मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कोई भी चीज़ अगर ओवरडोज हो जाती है, जैसे कि आपने कहा कि पहले जसपाल भट्टी साहब का आता था और शेख उसमन जी का आता था, तो वो दो ही कलाकार थे, वो जो कलाकार मतलब वो मतलब बाप है, उनसे तो सीखना चाहिए हम लोगों को। फिर उसके बाद जो सास बहू आई तो कंटिन्यू चला। तो लोग जो हम इंसान हैं, हमें कोई भी चीज़ अगर ओवर दे दो हम उसी उब जाएंगे। तो वैसा हाल अब स्टैंड अप का भी हो गया। अभी उसके बाद स्टैंड अप आया, अभी स्टैंड अप भी ओवरडोज हो गया। तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। अगर ज़्यादा पब्लिक को दे दे ओवरडोज तो मेरे ख्याल से फिर हजम नहीं कर पाएगी, इसलिए थोड़ा रुक के दो ताकि लोग हजम इंतज़ार करें, क्योंकि लोग हंसना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि लोग रोना चाहते। और हंसी को हम जितना बाट बाट के दो तो अच्छा है, क्योंकि काम भी करना है और हंसी हंसना भी है। तो बस ये कहूँगा कि और जो फिल्म में बायट है बिल्कुल एकदम हिट है। फिल्म में बायट यानी कि मैं भी फिल्म में हूँ, मैं जब भी जहाँ जाता हूँ मुँह खोलता हूँ कोई ना कोई एक्टर बाहर आता है, जैसे कि शाहरुख खान आ जाता है फिल्म में बायट, अरे तुम देख रहे हो फिल्म में बायट, फिल्म में बायट की बात ही अलग है। हाँ ओए कमाल करता है यार, फिल्म की बात आती है फिल्म में बायट भी आती है बाबा। तो इतने सारे एक्टर, 150 आवाज़ आज मैं निकालता हूँ, मैं खुद की आवाज़ भूल गया हूँ कि मेरी आवाज़ कौन सी है, लेकिन जब स्टेज पे जाता हूँ तो मेरी आवाज़ आती है। सर एक लास्ट सवाल आपसे, अभी आपने हंसी बांटने की बात की, कुछ दिन पहले तन्मय भट्ट ने भी एक हंसी बांटने की कोशिश की थी जो कि लोगों ने बहुत अच्छे से नहीं लिया और शायद लेना नहीं चाहिए था, उसके बारे में आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, ये गॉड, हम इनको गॉड भगवान कहते हैं, और मतलब इनकी वजह से हमारा देश जाना जाता है। मतलब अगर हमारे देश की पहचान है, अरे सचिन तेंदुलकर का देश, अरे लता मंगेशकर का देश, तो इनके बारे में अनाम देखो, मिमिक्री करो, ये बड़े खुश होते हैं, लता जी को सामने मिमिक्री कोई प्रॉब्लम नहीं है, सचिन के सामने मिमिक्री कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप इनकी उड़ाओ मत, इनकी खिंचाई मत करो। क्या होता है कि फिर आप सीधा भगवान को गाली दे रहे हो। तो आप करो, जितने लोग जो मस्ती करते हैं उनकी खिंचाई करो, और अनाम शनाप तो बिल्कुल ना बोलो, आप कॉमेडी करो। एक ज़माना था जब केले के छिलके पे फिसलते लोग हंसते थे, फिर केक मारते थे हंसते थे, अब ये इतना वल्गर वाला है, ज़रूरत नहीं है। लोग वल्गर हमारी ज़िंदगी में, आम जिंदगी में वल्गर है, हम ट्रेन में जाओ, ट्रेन में कहीं भी जाओ गालियाँ चलती है, लेकिन आप इसको इस तरह से उन लोगों के साथ बिल्कुल ना जोड़े जो जिसे हम भगवान मानते हैं। बस ये कहूँगा, तो गलती हो गई होगी तो सुधार ले, नहीं सुधरेगा तो फिर बाद में लोग है सुधारने के लिए। स्वप्निल और VIP की जोड़ी शायद सुपर हिट थी, हम लोग बैठ जाते थे 9 बजे कॉमेडी सर्कस देखने, तो स्वप्निल और VIP को कभी दोबारा देखेंगे हम जल्दी? बिल्कुल, मैं भी चाहता देखें, लेकिन मेरा भाई, मेरा दोस्त स्वप्निल जोशी अब वो स्टार बन चुका है, अब वो मराठी फिल्म का शाहरुख खान है, हे, तो शायद मतलब वो ऐसे नहीं करना, उसकी भी इच्छा है, वो मैं जब भी मिलता हूँ तो बोलता है यार वो वक्त बीतना है क्या, जब स्टार जब कोई आगे जाता है
तो कोशिश करता है कि वो अपना एक लेवल बना के रखें। पर हाँ, जब भी मौका मिलता है हम लोग मिलते बहुत मस्ती करते हैं। हाँ, पर उसके अगर मन में अगर कभी होगा तो डेफिनेटली हम करेंगे, तैयार हैं। और लोग अगर चाहेंगे, लोगों का मेन पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक पसंद करना चाहती है, पब्लिक बुलाना चाहती है उस जोड़ी को, तो डेफिनेटली हम आएंगे, लोगों के लिए आएंगे और हंसाएंगे दिल खोल के। फिर से मेरा शटर अप होगा, तो VIP का शटर जल्दी अप होगा। लेकिन उसके पहले filmybee.com व्यूअर्स के लिए VIP की तरफ से स्पेशल संदेश। संदेश से ये नहीं गाना नहीं गाऊंगा मैं क्योंकि गाना गाएंगे ना तो फिर क्या, वो फिर वो हमको देना पड़ता है, वो आपको हर चैनल पे लगती है, तो इसलिए मैं संदेश से पे अटक गया मैं, तो समझ जाओ गाना कौन सा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि खूब हंसो, लोगों को हंसाओ, दुनिया भर से प्यार बांटो। टेंशन भरी दुनिया है, चाहे आपका काम हो या हमारा काम हो, कोई भी काम हो, हम सब परेशान हैं। ऐसा नहीं कि हम कॉमेडियन हैं, हम बहुत खुश हैं, हमारी लाइफ में हमें भी टेंशन है, हम भी कुछ प्रोग्राम बनाते हैं तो उसे मेहनत लगती है, फैमिली हमारी भी, तो सब दुनिया में सबके पास टेंशन है। लेकिन जब भी मौका मिले आपके दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में या कहीं भी, जब भी आप हंसना चाहे दिल खोल के हंसे कि हंसी पे कोई रोक नहीं है, और नहीं हंसे तो मैं VIP आप लोग के सपने में आऊँगा, सबको हंसाऊँगा, गुदगुदाऊँगा, समझे, खामोश, शटर डाउन, नहीं होगा। तो इसी के साथ VIP ने शटर डाउन कर दिया है। दिस इज़ त्रिशा गौर साइनिंग ऑफ फॉर filmybee.com।